हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो जो फार्मूले हम काम में लेते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। लेस्पर फार्मूला, पाँच छः फार्मूला, डॉर बिशबावली का फार्मूला, मार्शल एजवर्थ और वर्ल्स का फार्मूला, और लास्ट में हम फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर भी डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल एग्रीगेट मेथड की बात करते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला यहाँ पर क्या है, पी ओ आई बराबर समीशन पी आई जे बटे में समीशन पी ओ जे इंटू में 100। अब 100 हमने बात करी थी जब हम शुरुआत कर रहे थे, तो इंडेक्स नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो ये क्या होता है, परसेंटेज की फॉर्म में हम निकालेंगे, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर पी ओ आई क्या है, पी आई जे क्या है, पी ओ जे क्या है, इन सब कुछ हमें देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पी आई जे की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पी है वो प्राइस को इंडिकेट करता है, यानी पी आई जे का मतलब क्या होता है, जो आईएथ ईयर है, यानी जो प्राइस इंडेक्स नंबर में हम जब हम यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर की बात चल रही है उसकी के लिए प्राइस का फार्मूला लगेगा, वैल्यू इंडेक्स के लिए वैल्यू का फार्मूला आएगा और क्वांटिटी इंडेक्स के लिए क्वांटिटी का फार्मूला आएगा। यहाँ पर सिर्फ पी की जगह क्यू हो जाएगा, पी ओ आई की जगह पी क्यू ओ आई हो जाएगा, और वैल्यू के लिए क्या होगा, वी ओ आई हो जाएगा। तो ये सब हम नहीं बात कर रहे हैं, बाकी मैं जनरली बता रहा हूँ आपको कैसे फार्मूला चेंज होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम अभी प्राइस के लिए हम डिस्कस करेंगे, यानी प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पी ओ आई है वो क्या है, यानी जो हमारा प्राइस इंडेक्स आईएथ ईयर के लिए जब हम किससे कंपेयर कर रहे होते हैं, बेस ईयर से, यानी जो बेस ईयर से कंपैरिजन करने पे जो हमारा आईएथ ईयर में इंडेक्स नंबर का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी ओ आई का मतलब यही हो गया, और पी आई जे का मतलब ये होता है कि आई एथ ईयर में जे एथ कम्युनिटी का कितना प्राइस है, और जो आई एथ ईयर का मतलब जो करंट ईयर जो हमें मिलेगा, और ओ जो हम पर लगा होगा तो वो बेस ईयर की बात करेगा। यानी पी ओ जे का मतलब बेस ईयर में जे एथ जो कम्युनिटी है उसका क्या प्राइस था। तो अगर दोनों का सम कर दोगे तो, और फिर उनको पी आई जे ऊपर लिखा जाएगा, पी ओ जे नीचे, और गुणा में 100। तो ये हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड हो गया। तो हमें यहाँ पर पी आई जे भी पता होगा, पी ओ जे भी पता होगा, वैल्यू रख लेंगे, हमें सिंपली जो हमारा पी ओ आई आ जाएगा। अब हमारा जो सेकंड मेथड है कंस्ट्रक्शन का वो है वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो जो वेटेड एग्रीगेट मेथड है वो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम प्राइस निकालते हैं तो यहाँ पर एक वेट असाइन कर दिया जाता है, यानी जो हमने जब बात करी थी फार्मूला सिलेक्शन के बारे में तब भी हम बात कर रहे थे वेट के बारे में। तो यहाँ पर जो हर एक वैल्यू होती है उसके साथ एक प्रॉपर वेट अटैच कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वेटेड एग्रीगेट मेथड बन जाता है, जिससे हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो वेटेड जब एग्रीगेट मेथड में हम वेट को अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस करते हैं, डब्लू आई को, डब्लू जे को, जब हम अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस करते हैं तो हमारे कुछ एक फार्मूले निकल के आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं जो लेस्पर्स का प्राइस इंडेक्स मेथड क्या होता है। तो जो लेस्पर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर होता है उस मेथड को हम बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। बेस ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेस्पर्स थे वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने जो बेस ईयर में जो क्वांटिटी हमने कंजप्शन किया है उसको उन्होंने क्या लिया, एज ए वेट लिया, यानी वेट को उन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया, क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया, वो भी जो हमने किस में कंजप्शन की थी, जो बेस ईयर में कंजप्शन किया था जिस क्वांटिटी का, तो उससे रिप्लेस कर दिया। तो ये यहाँ पर फार्मूला देखिए लेस्पर का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर समीशन पी आई जे इंटू में क्यू जे, यहाँ पर क्यू जे क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, यानी जो बेस ईयर में ओ लगाए बेस ईयर के लिए, जेएथ कॉमोडिटी, यानी जेएथ कॉमोडिटी की हमने बेस ईयर में जितनी क्वांटिटी कंजम्पशन किया है वो, और प्राइस जो आईएथ यानी जो करंट हम ईयर ले रहे हैं आईएथ ईयर में जेएथ कॉमोडिटी का प्राइस, दोनों को गुणा कर दोगे उनका जोड़ करने के बाद, यहाँ पर डिवाइड करना है पी ओ जे से और क्यू ओ जे से।
तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाले दोनों सेम है, यहाँ पर प्राइस इन्होंने किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस का, अब प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो प्राइस का ही कंपेयर हो रहा है यहाँ पर, बस इन्होंने वेट असाइन कर दिया है साथ में और इनटू में 100। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन इनसे आता ही आता है। अब इनको क्या है कि बेस ईयर आता है, फिर जो हमारा मेथड आता है गिवन ईयर मेथड या पाश्चे का मेथड, फिर डॉर्बिश बाउली का, तो इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि LAPD BMW IK। तो LAPD यानी लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट BMW रखती है, और IK आप लास्ट तो होता है इरविंग फिशर का जो फार्मूला होता है आइडल फार्मूला, और के कैली का एक लास्ट बच जाता है, वो आपको याद रख लेना है। तो ये ऐसे ट्रिक से याद रखना है इनको, मेथड को अगर आप सीक्वेंस से याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। तो जो हमारा सेकेंड फार्मूला है वो है पाश्चे का प्राइस इंडेक्स मेथड, या गिवन ईयर मेथड भी कहते हैं। पाश्चे क्या थे, एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने सन 1874 के अंदर ये फार्मूला ईजाद किया था। तो जिस तरीके से जो लेस्पर्स ने क्या किया था कि जो हमारा प्राइस है उसके जो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर फार्मूला बनाते टाइम उन्होंने जो वेट असाइन किया था वो क्या करा था, बेस ईयर में जितनी क्वांटिटी हमने कंजम्पशन किया उसको मान लिया। पर पाश्चन क्या करा कि इन्होंने जो करंट ईयर में जितना हम जैसे कितना हमारे आटा लग रहा है उस क्वांटिटी को इन्होंने क्या माना, जो फिलहाल जो करंट ईयर में जितनी क्वांटिटी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसको इन्होंने क्या माना, वेट माना। तो इन्होंने QIJ लिया और उन्होंने क्या लिया, QOJ लिया, बस वहां पर बेस ईयर की क्वांटिटी ली, यहाँ पर क्या इन्होंने क्या लिया, जो करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी है कंजम्पशन कर रहे हैं उसको लिया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा PIJ QIJ। अब यहाँ पर ऊपर सेम आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर QIJ ले लिया इन्होंने करंट ईयर में क्वांटिटी, बटे में POJ QIJ इंटू में 100। तो ये हमारा पाश्चे का फॉर्मूला हो गया। फिर जो नेक्स्ट हमारे मेथड है उसके अंदर आता है डॉर्बिश बाउली का प्राइस इंडेक्स मेथड। तो डॉर्बिश बाउली ने क्या करा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा लेस्पर और पाश्चे के जो प्राइस इंडेक्स फार्मूला थे उनका इन्होंने अर्थमेटिक मीन ले लिया। आपको याद रखना है कि डॉर्बिश बाउली ने क्या करा, जो ऊपर वाले मेथड थे उनका क्या कर दिया, इन्होंने एवरेज लेके बोल दिया कि आप दोनों का ही एवरेज ले लो, ना तो आप क्वांटिटी को बेस ईयर वाली क्वांटिटी को वेट बनाओ, ना ही आप जो है करंट ईयर वाली को, आप दोनों जो फॉर्मूले लो दोनों को निकालो और दोनों के बाद उनका एवरेज ले लो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, डॉर्बिश बाउली का प्राइस इंडेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, इन्होंने सिर्फ इतना करा कि दोनों का एवरेज निकाल लिया। फिर जो नेक्स्ट मेथड दिया था मार्शल एजवर्थ ने, इन्होंने बेस गिवन ईयर मेथड भी कहते हैं इसको। जिस तरीके से इन्होंने क्या करा, यानी डॉर्बिश बाउली ने, तो पूरे दोनों के मेथड को ही इन्होंने क्या मान लिया कि दोनों का ही एवरेज लेके आप कह दो कि ये भाई साहब हमारा मेथड है। पर मार्शल एजवर्थ ने क्या करा कि इन्होंने जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं उन दोनों का सम करके उनका मीन लिया, यानी दोनों का मीन करा इन्होंने, यानी जो करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो, और जो हमारा बेस ईयर के अंदर कितनी क्वांटिटी का कंजम्पशन हुआ था, दोनों को जोड़ के दो का भाग दे दिया, वो वेट बनाया इन्होंने। तो यहाँ पर W किसके बराबर है, QIJ प्लस QOJ बटे में दो, यानी यहाँ पर जो दो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दो आएगा और नीचे भी दो आएगा, तो वो दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। तो सीक्वेंस से याद रखना है कि आपको सबसे पहले तो लेस्पर ने क्या करा, बेस ईयर को मानना, पाश्चे ने क्या करा करंट ईयर में जितनी क्वांटिटी कंजम्पशन हो रही है उसको इन्होंने क्या माना, हमारा वेट माना। फिर उसके बाद जो हमारे आए डॉर्बिश बाउली ने दोनों के फॉर्मूला का एवरेज ले लिया। मार्शल एजवर्थ ने क्या करा, जो क्वांटिटी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उनका एवरेज लिया, ना कि फॉर्मूला का। तो ये हमारा मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आता है वॉल्स का प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इन्होंने ऊपर तो हमने किसके बारे में बात कर ली कि इन्होंने क्या कर लिया, अर्थमेटिक मीन ले लिया। वॉल्स क्या थे, उन्होंने क्या करा, इन्होंने बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया, यानी उन्होंने अर्थमेटिक मीन निकाला। मार्शल एजवर्थ ने तो इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दिया, इन्होंने क्या करा इसकी जगह ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन सबसे बढ़िया मीन होता है, तो इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया और नया फॉर्मूला ईजाद हो गया।
तो ये हमारा वॉल्स का फॉर्मूला है। इसके बाद आता है इरविन फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर। अब इरविन फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर क्या कहता है कि आप लेस्पर का फॉर्मूला और जो पास्चे का फॉर्मूला है दोनों फॉर्मूलों का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। यानी जिस तरीके से हमारे जो डॉर्बिश बाउली ने करा था कि उन्होंने मीन ले लिया था दोनों फॉर्मूलों का, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ इरविन फिशर ने क्या करा, जो दोनों के फॉर्मूले थे उनका अर्थमेटिक मीन लेने के बजाय इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। तो ये इनका फॉर्मूला हो गया, तो ये आपको याद रखना है। इसको ज्योमेट्रिक क्रॉस फॉर्मूला भी कहते हैं, फिशर का ज्योमेट्रिक क्रॉस फॉर्मूला भी बोला जाता है। जो फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला है उसी को ही ज्योमेट्रिक क्रॉस फॉर्मूला भी बोला जाता है। अब कैली ने क्या कहा, कैली क्या बोलते हैं कि कैली जो नेक्स्ट हमारा मेथड आता है कैली का प्राइस इंडेक्स नंबर या फिक्स वेट मेथड। तो कैली ने क्या बताया कि आप कोई भी एक ईयर ले लो, उसको बेस ईयर हो चाहे गिवन ईयर हो या फिर उनके बीच में कोई भी ईयर हो, उस ईयर में जितनी भी क्वांटिटी कंजम्पशन हो रहा है उसको आप वेट मान लो। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसको मानो, कि बेस ईयर वाले को ही मानो या फिर आप करंट ईयर वाले को मानो। आप किसी भी एक जो पीरियड है उसकी कांस्टेंट क्वांटिटी ले लीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और इन्होंने बताया कि आप अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि दो से ज्यादा किसी भी पीरियड की, ये नहीं कह रहे यहाँ पर बेस ईयर की बात नहीं कर रहे ना ही करंट ईयर की बात कर रहे। जैसे 2012 से 2018 यानी 2018 में हम करंट ईयर मान लिया, 2012 बेस ईयर, तो इन्होंने कहा कि 2013 14 15 कितने भी ईयर का आप क्वांटिटी उठाओ और उनका अर्थमेटिक मीन करके आप वेट ले लो, ज्योमेट्रिक मीन करके वेट ले लो, तो आप कितना भी ले सकते हो, आप फिक्स क्वांटिटी ले लीजिए, ये आपका वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कैली के फॉर्मूला तो नहीं है, बस इनकी एक थ्योरी है कि इन्होंने बताया कि आप वेट कांस्टेंट ले लीजिए, पीरियड आपका कोई जरूरी नहीं है कि बेस ईयर ही हो या फिर गिवन ईयर ही हो। तो ये हमारा कैली का प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट। ये ओवर एस्टिमेट क्या होता है, अंडर एस्टिमेट क्या होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी प्राइस बढ़ जाता है किसी कमोडिटी का तो उसका क्या होता है, कंजम्पशन घट जाता है। यानी अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो उसका क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। ये हम डिमांड सप्लाई के अंदर पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने 2012 को बेस ईयर ले लिया, हम 2012 में प्राइस बहुत कम था, जैसे टीवी का प्राइस बहुत कम था, और 2018 में टीवी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। जब हम लेस्पर वाले फॉर्मूले के अंदर क्वांटिटी 2012 की ले रहे हैं, फिलहाल कंजप्शन कम हो रहा है, तो क्या हो गया, ये क्या करेगा कि ये जो न्यूमरेटर के अंदर जो फॉर्मूले के न्यूमरेटर में जो चीज़ होती है उसको क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। यानी इसको क्या कर देगा, ये न्यूमरेटर को बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, ये अपवर्ड बायस हो जाएगा, यानी ये ओवर एस्टिमेट कर रहा है। ओवर एस्टिमेट कैसे कर रहा है, ओवर एस्टिमेट इसलिए कर रहा है कि आपका जो कंजम्पशन है वो तो कम है, बट आप क्वांटिटी जो रियल में करंट ईयर के अंदर क्वांटिटी तो कम है, बट आप जो बेस ईयर की क्वांटिटी ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये क्या करता है, एक अपवर्ड बायस होता है। तो ये आपको याद रखना है कि लेस्पर का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्ड बायस होता है। ये यानी लेस्पर का फॉर्मूला क्या करता है, ओवर एस्टिमेट करता है। ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि लेस्पर का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्ड बायस, लेस्पर का फॉर्मूला क्या करता है, ओवर एस्टिमेट। अब हम दूसरा अंडर एस्टिमेट की बात करते हैं। सिमिलर मैनर में जब हम पास्चे का फॉर्मूला काम में लेते हैं तो पास्चे के फॉर्मूले में क्या होता है, करंट ईयर में जो क्वांटिटी हम जो करंट ईयर के अंदर जो क्वांटिटी यूज ले रहे हैं वो हमारा वेट होता है। तो करंट ईयर में हमें पता है कि प्राइस का जो है वो ज़्यादा हो गया तो क्वांटिटी हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा, ये डाउनवर्ड हो गया, यानी अंडर एस्टिमेट हो गया। और हम जो हमारा प्राइस बढ़ने की वजह से हमने कम कर दिया है वो एक एवरेज नहीं है, यानी हम एक एवरेज जो पैमाना होता है उसको नहीं ले पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डाउन कर रहे हैं, यानी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को। क्या पता कल को एक एवरेज लेवल पे आए प्राइस और हम जो नॉर्मल यूज हो रहा है उस तरीके से ही यूज होने लगे, तो ये क्या होता है, अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट की प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारा लेस्पर का फॉर्मूला होता है वो तो ओवर एस्टिमेट करता है और अपवर्ड बायस होता है, और जो हमारा पास्चे का फॉर्मूला होता है वो अंडर एस्टिमेट करता है और क्या होता है, डाउनवर्ड बायस होता है। तो ये आपको याद रखना है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करूँगा। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।